नंबर 19 देखिए, 19 नंबर का LHS लेते हैं, दिया हुआ है 3 sin x माइनस का cos x का पावर 4 प्लस 6 इंटू में sin x प्लस cos x का स्क्वायर प्लस 4 sin का पावर 6x प्लस cos का पावर 6x। चलिए अब इसके बाद देखिए 3 इंटू में, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, sin x माइनस cos x का पावर 4 दिया है ना जी, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर और प्लस 6, इसे ऐसे ही रहने देते हैं sin x प्लस cos x का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम लोग देखिए इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर x का, सॉरी क्यूब ना होगा, पावर में 6 है, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x। हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा दिए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस 6 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का, सॉरी प्लस का 2 sin x cos x। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्लस 4 इंटू में, यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b यानी sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस का ए बी यानी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और प्लस का b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए 3 ब्रैकेट के अंदर देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस का यहाँ पर क्या है, इसे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं sin 2x। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। ठीक है, और फिर प्लस 6 इंटू में इसका वैल्यू 1 और प्लस का sin 2x। चलिए फिर आगे देखिए 4 इंटू में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा ना जी। अब फिर अंदर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर x का स्क्वायर और फिर प्लस में cos स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 3 इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 इंटू में sin 2x प्लस का sin स्क्वायर 2x। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 6 इंटू में 1 प्लस का sin 2x। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है 4 इंटू में, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और फिर माइनस का यहाँ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x भी है। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, यहाँ देखिए 3 इंटू में 1 माइनस का 2 sin 2x और प्लस का sin स्क्वायर 2x, फिर यहाँ प्लस 6 इंटू में 1 प्लस का sin 2x। अब यहाँ देखिए प्लस 4 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस का 6 sin 2x माइनस प्लस का 3 sin स्क्वायर 2x प्लस का 6 और प्लस का 6 sin 2x। अच्छा यहाँ देखिए प्लस का 4 और माइनस का 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग इससे काट सकते हैं और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा और 10 और 3 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 sin स्क्वायर 2x बच गया और प्लस का इस माइनस का यहाँ 3 और इंटू में 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसे ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है
13 प्लस का 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 3, यहाँ पर एक काम करते इसे 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 13 प्लस का 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 3, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ये इससे कट जाएगा, 13 आ गया। तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमारा RHS आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 20